तो गाइज यहाँ पे जो आप मेरे चेहरे पे ग्लो देख रहे हैं ये ग्लो हाइलाइटर से है। तो हाइलाइटर जो मैंने यूज़ किया है वो मार्केट वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये है हमारा घर पे बनाया हुआ DIY हाइलाइटर। तो ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मार्केट वाले हाइलाइटर से भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं कैसे इसे बनाना है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज हम बनाने वाले हैं DIY हाइलाइटर। तो आज हम कोई DIY फेस पैक नहीं बनाने वाले हैं, ना ही हम करने वाले हैं फेशियल। तो आज हम बनाने वाले हैं DIY हाइलाइटर। वैसे तो बाज़ार में बहुत सारे हाइलाइटर आपको मिल जाएंगे, सस्ते भी मिल जाएंगे, महंगे भी मिल जाएंगे, बट जो हम बनाएंगे घर पे ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। ये किसी तरह का आपके चेहरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसके साथ ही ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और आप इसे अपने मन के मुताबिक बना सकते हैं। जैसा आपका स्किन टोन हो, आपकी जैसी कलर हो, आप उसके हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो ये जो हाइलाइटर होगा इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आप किसी भी स्किन टोन के होंगे आप उसे अपने हिसाब से बनाइए ताकि ये आप पे सूट करे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस हाइलाइटर को और देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारे आपको हाइलाइटर मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन भी हैं इसके, लेकिन जब आप घर पर हाइलाइटर बनाते हैं तो आप इसे अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि आपको सिल्वर हाइलाइटर चाहिए या फिर आपको गोल्डन चाहिए या फिर हाइलाइटर आपको पिंकिश अंडरटोन में चाहिए, तो आप जिस तरह की हाइलाइटर चाहिए आप उस तरह के हाइलाइटर घर पे बना सकते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको हाइलाइटर के लिए लेना है आई शेडोज़। जो भी आई शेडो आपके पास होगा आप उसमें ले लीजिए। उसमें से आपको ध्यान ये रखना है कि आपको मैट वाला नहीं लेना है, आपको शिमरी वाला लेना है, क्योंकि आपको हाइलाइटर बनाना है तो हाइलाइटर बनाने के लिए आपको शिमरी आई शेडो ही लगेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ आई शेडो है तो जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इसके बाद मेरे पास एक लैक्मे का भी हाइलाइटर है, तो ये हाइलाइटर है कुछ इस तरह से। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें गोल्डन डस्ट है, तो ये आपको दिखेगा उड़ते हुए भी यहाँ पे। तो इस तरह से जब मैं इसे बंद कर रही हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको गोल्डन डस्ट दिख रहा है। तो आप चाहे तो इस तरह का अगर आपके पास लूज़ पिगमेंट है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। खाली ध्यान ये रखना है कि आपको जो भी आई शेडो यूज़ करना है या फिर पिगमेंट यूज़ करना है वो थोड़ा सा शिमरी हो। तो मैं इस पैलेट में से लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप चाहे तो पिंक कलर का अपना हाइलाइटर बना सकते हैं या फिर आप शैम्पेन गोल्ड कलर का बना सकते हैं या फिर सिल्वर बना सकते हैं। तो मैं इसी पैलेट में से लेके अपना हाइलाइटर बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें एक बोल चाहिए, तो आप कोई भी बोल ले लीजिए या फिर आप एक एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, आप उसमें डायरेक्ट बना लीजिए। तो मेरे पास अभी एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो मैं ये बोल ले रही हूँ। उसके बाद हमें लेना है एलोवेरा जेल, तो आपको क्लियर एलोवेरा जेल लेना है, तो मेरे पास यही है तो इसलिए मैं इसे ही ले रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास कोई बॉडी लोशन है जो जेल फॉर्म में है आप उसे ले सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं इसे। तो यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उसके हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बनाना है तो मैं थोड़ा सा बना रही हूँ। तो मैंने दो ड्रॉप जितना ले लिया है एलोवेरा जेल। अब मैं यहाँ पे दो कलर को मिक्स करूँगी क्योंकि ये जो गोल्डन कलर है कुछ ज़्यादा डार्क है, तो मैं उसे वाइट के साथ मिक्स कर दूँगी ताकि जो गोल्डन है थोड़ा सा लाइट हो जाए और हमारे स्किन पे अच्छे से जाए। तो घर पे जो हम हाइलाइटर बनाते हैं इसका फ़ायदा यही होता है कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आपके पास गोल्डन कलर जो आप चाहते हैं आप उस नहीं मिल रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स कर लीजिए, तब इसे लाइट कर लीजिए, लाइट करके बना लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ ये वाइट वाला जो शिमरी आई शेडो है इसे मैं ले रही हूँ। दोनों को मिक्स कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी तो ये जो गोल्डन कलर है ये लाइट हो जाएगा और ये हमारे हाइलाइटर के लिए परफेक्ट शेड बन के तैयार हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद हम एक और चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है दोनों। तो जो एलोवेरा है ये काफ़ी अच्छा है हमारे स्किन के लिए। तो अगर आप हाइलाइटर लगाते हैं तो ये इसे एक जगह स्टिक होने में मदद करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हाइलाइटर जो है बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ और मिक्स करूँगी। अच्छे से आपको मिक्स करना है, किसी तरह का कोई लम्स नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है विटामिन ई की कैप्सूल। तो इसको इसलिए ले रही हूँ कि किसी तरह का कोई भी नुकसान ना हो हमें हमारे चेहरे पर। तो इसे आपको सिर्फ एक से दो ड्रॉप मिलाना है क्योंकि मैंने बहुत कम क्वांटिटी बनाई हुई थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक से दो ड्रॉप ही डाला है। आपको ज़्यादा नहीं डालना है, ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है हमारे स्किन पे, हाइलाइटर को अच्छे से स्टिक कर देता है, आपका हाइलाइटर जो है हिलेगा नहीं, जिसकी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा
और ग्लो भी काफ़ी देर तक बना रहता है विटामिन ई ऑयल डालने से। तो इसे भी डाल के आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के एक डेमो दिखा दे रही हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ग्लो आ गया है। हाथ पे लगाते ही एकदम अच्छे से ग्लो कर रहा है ये हाइलाइटर, बिल्कुल बाजार वाला हाइलाइटर लग रहा है। तो चलिए इसे अपने फेस पे भी लगाएंगे और देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो इस तरह से आप इसे बना के एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। यहाँ पे हमारा हाइलाइटर बनके तैयार हो गया है, तो चलिए इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा हाइलाइटर, आप देख सकते हैं। तो इसे हम अप्लाई करेंगे, तो जहाँ जहाँ आप अप्लाई करते हैं वहाँ वहाँ इसे अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ गया इस हाइलाइटर का। तो चलिए इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेते हैं। तो हाइलाइटर हम जनरली अप्लाई करते हैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ भी लाइट फॉल करता है वहाँ पे हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं, जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड्स बो, चिन, अपने चीक बोन पे, फॉरहेड पे। तो इस तरह से मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ। तो इस हाइलाइटर को हल्का सा आप स्प्रेड करके टैप कर लीजिए, ताकि ये अच्छे से एक जगह स्टिक हो जाए। ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है, काफ़ी देर तक टिकता है आपके स्किन पे और किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आप चाहें तो इसे मॉइस्चराइज़र के साथ या फिर अपने किसी भी बॉडी लोशन के साथ बना सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र और बॉडी लोशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो आप वैसा कुछ भी ले लीजिए, लेके आप उसके साथ बनाइए। नॉर्मल मॉइस्चराइज़र या बॉडी लोशन आप लेंगे तो हाइलाइटर का कलर जो है तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो गाइज, इस तरह से हम घर पे ही हाइलाइटर बना सकते हैं अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, या फिर आपको जो भी हाइलाइटर का कलर पसंद हो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे गोल्डन बनाया है, आप चाहे तो सिल्वर बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आपको पिंकिश अंडरटोन वाले हाइलाइटर पसंद है, या फिर आपको शैम्पियन गोल्ड कलर वाले हाइलाइटर पसंद है तो आप वो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप घर पे अपने हिसाब से हाइलाइटर बना सकते हैं। ये काफ़ी ईजी है, अफोर्डेबल है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।